दिल्ली से खबर, जहां पर थोड़ी ही देर में एनडीए संसदीय दल की बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि संसद परिसर में एनडीए संसदीय दल की बैठक होने वाली है। कुछ ही देर के बाद में यह बैठक शुरू होने वाली है। इस बैठक के लिए गिरिराज सिंह, मिलिंद देवड़ा पहुंच गए हैं, कंगना रनौत भी और साथ साथ में जयंत चौधरी भी पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर 9:30 बजे का समय दिया गया था एनडीए की संसदीय दल की बैठक शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जो नेता हैं वो इस बैठक में पहुंचते हुए नजर आने वाले हैं। फिलहाल कई नेता यहां पर पहुंच गए और ताजा तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे होंगे, स्वास्थ्य मंत्री हैं जो कि पहुंच गए एनडीए की बैठक के लिए। आपको बता दें कि आज संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब भी दे सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। सांसदों को बैठक में आवश्यक रूप से शामिल होने के आदेश भी जारी कर दिए गए थे। अर्जुन राम मेघवाल भी फिलहाल आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो ये मीटिंग कुछ ही देर के बाद में शुरू होगी। मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। थोड़ी ही देर में एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू होगी। संसद परिसर में एनडीए की मीटिंग होगी, संसदीय दल की यह बैठक, जिसमें गिरिराज सिंह, मिलिंद देवड़ा और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, अर्जुन राम मेघवाल बैठक के लिए पहुंच गए, कंगना रनौत पहुंच गए, जयंत चौधरी भी पहुंच चुके हैं। तो राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर भी लोकसभा में हंगामे के आसार जहां पर जताए जा रहे हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनडीए की ये बैठक ले रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि राजग की संसदीय दल की बैठक को संबोधित कर सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि भाजपा संसदीय दल की बैठक में सभी नेताओं और घटक दलों के सांसदों को इस बैठक में आवश्यक रूप से शामिल होने के लिए ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। लेकिन उस बीच लगातार बड़ी खबर पे हम बने हुए हैं। संसद परिसर में ये मीटिंग रखी गई है एनडीए की। ये मीटिंग थोड़ी देर में एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू होने वाली है, जिसके लिए कई नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जयंत चौधरी, कंगना रनौत, मिलिंद देवड़ा, गिरिराज सिंह संसदीय दल की बैठक में पहुंच गए हैं। जेपी नड्डा, अर्जुन राम मेघवाल और ऐसे तमाम जो सांसद हैं, मंत्री हैं, वो पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरे नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है, जिसके ऊपर नजरें भारत 24 की बनी हुई हैं। तो फिलहाल आज ये बैठक कई मायनों में खास। अक्षय हमारे साथ में जुड़ गए। अक्षय, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मीटिंग को लेकर, कितने बजे एग्जैक्टली ये मीटिंग शुरू होती हुई नजर आ रही है? देखिए, कहा जा रहा है कि अब कुछ देर का समय शेष है जब बैठक शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में संसद भवन पहुंचने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, और सभी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। टीडीपी के जो कैबिनेट कोटे से मंत्री हैं एन राममोहन नायडू, वो भी संसद भवन पहुँच चुके हैं। इसके अलावा संजय बांडी अपने घर से निकले हैं, वो पहुँच रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि कुछ देर में ही ये बैठक शुरू हो जाएगी। काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक के बुलाई गई है। सरकार बनने के बाद पहली बार संसदीय दल की, एनडीए संसदीय दल की बैठक हो रही है, और इस मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संसद का सत्र चल रहा है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने कल दो तीन बातों को लेकर के जिक्र किया, जिस तरह से विवादास्पद मुद्दों को उठाया, उस पर लेकर के चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ एनडीए घटक दलों को किस तरह से सरकार में तवज्जो मिल रही है, उस पर चर्चा की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ से अपनी सरकार के खाका को सामने सांसदों के पेश कर सकते हैं, और निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि जैसे सरकार बनी है, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए घटक दलों के सांसदों के साथ लगातार संवाद कर रहे हैं। न सिर्फ उसमें मंत्री हैं बल्कि सांसद भी हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और सांसदों से राय मशवरा लेकर के प्रदेशों में किस तरह से बेहतर विकास की रूपरेखा खींची जा सकती है, उसको लेकर के चर्चा हो रही है। उनसे एक संवाद बनाने की कोशिश हो रही है, और आपने देखा होगा कि जेडीयू के सांसदों ने पहले मुलाकात की, जेडीएस के सांसद मिले, उसके बाद टीडीपी के सांसदों के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी। कल शिवसेना के सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनसेना के पार्टी के दो सांसदों के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया। इसका मतलब है कि संवाद किसी भी स्तर पर कम नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ संदेश है। एनडीए घटक दलों के साथ ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि निश्चित रूप से सरकार को आगे बढ़ाना है, आगे कार्यों को बढ़ाना है, प्रदेशों में किस तरह से सामंजस्य के साथ आगे बढ़ना है, निश्चित रूप से ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये माना जा रहा है कि कल राहुल गांधी ने जिस तरह से विवादास्पद मुद्दों को उठाया, उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीखा हमला कर सकते हैं, न सिर्फ एनडीए की बैठक में, बल्कि अक्षय, क्या इस बैठक के बाद ये कहा जा सकता है, क्योंकि कल जो बयानबाजी जिस तरीके से संबोधित जब राहुल गांधी सदन को कर रहे थे, तो जो बातें उनके द्वारा कही गई, उन्होंने एक मुद्दा नहीं कई सारे मुद्दे उठाए, जिसमें नीट परीक्षा का मुद्दा उठाया गया, हिंदुओं को लेकर खासतौर पर जो उनकी तरफ से टिप्पणी की गई, उसको लेकर आक्रोश जनता में देखा जा रहा है, हिंदू समाज में देखा जा रहा है, क्या उसको लेकर आने वाले दिनों में एक स्ट्रैटेजी बनती हुई नजर आएगी और बीजेपी उसको लेकर हमलावर होती हुई नजर आएगी इस मीटिंग के बाद खासतौर पर?
देखिए बीजेपी हमलावर कल से ही है और आपने देखा होगा कि जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे उस समय तमाम सांसदों ने टीका टिप्पणी की, न सिर्फ सांसदों ने बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जवाब दिया, साथ ही साथ राजनाथ सिंह भी जब अग्निवीर पर सवाल उठाए गए तो वो उनका भी जवाब देते नजर आए, गृहमंत्री अमित शाह आक्रामक नजर आए, साथ ही साथ निशिकांत दुबे ने तमाम संविधान की बातें सामने रखी कि किस तरह से चर्चा होनी चाहिए और क्या कुछ नहीं होना चाहिए, खास करके प्ले कार्ड्स जो रखे गए थे और भगवान शिव के जो चित्र दिखाए, उसके बाद तमाम जो धर्म ग्रंथों में की बातें उन्होंने की, उसके बाद जब हिंदुत्व पर मुद्दा सामने आया तो उसके बाद लगातार शोर शराबा भी हुआ, उसको लेकर के बीजेपी ने सदन में ओम बिरला के सामने ये सवाल भी उठाया कि इस तरह के हरकत कैसे हो सकती है सदन में। साफ तौर पर है कि उनके भाषणों का इसी बीच कुछ लाइनें हटा दी गई हैं जो विवादास्पद हुआ करती थी और सदन में कल ओम बिरला ने ये किया था कि हम मामले को देखेंगे। साफ तौर पर है कि मामला आज सदन में निश्चित रूप से गूंजता हुआ दिखेगा। एनडीए घटक दल जो हैं उसके लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि जब सदन 11 बजे शुरू होगा तो उसमें तमाम बातों को लेकर के एनडीए के जो सांसद हैं वो विरोध कर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, लेकिन विपक्ष भी इस बार झुकने को तैयार दिखता नहीं है, विपक्ष के भी अपनी रणनीतियां हैं और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि सदन में आज भी संग्राम होने के पूरे पूरे आसार हैं। लेकिन एनडीए घटक दल की बैठक दो तीन मुद्दों को लेकर के इम्पोर्टेंट हो जाती है, एक तो कि सदन में किस तरह से आपने चर्चा की, दूसरा किस तरह से आगे सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाना है, लोगों के बीच में कैसे जाना है, और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री सदन में संबोधित करने वाले हैं तो उसको लेकर के भी अपनी रूपरेखा तैयार की जा सकती है। बिल्कुल, अक्षय फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर भी है और लगातार दर्शकों को लाइव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जहां पर संसदीय दल की बैठक के लिए तमाम जो मंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। नितिन गडकरी पहुंच चुके हैं, राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, गिरिराज सिंह पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, मिलिंद देवड़ा, कंगना रनौत, तो ये तमाम जो मंत्रीगण हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। जयंत चौधरी भी बताया जा रहा है कि बैठक में पहुंच चुके हैं, गृहमंत्री अमित शाह का इंतजार लगातार किया जा रहा है, साथ साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। कितनी देर में अक्षय ये बैठक शुरू होने वाली है, क्योंकि 9:30 बजे का समय बताया गया था और फिलहाल 9:30 बज चुके हैं। देखिए 9:30 बजे का समय बताया गया था ताकि सांसद सभी लोग पहुंच जाएं और 9:30 बजे तक सांसदों को पहुंचने का एहतियात किया गया था और अब ये कहा जा रहा है कि कुछ देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, लगभग 10 से 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा समय होगा, मुझे लग रहा है 10 मिनट में वो पहुंच जाएंगे और उसके पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक शुरू हो जाएगी। ये कहा जा रहा है कि लगभग जो एनडीए घटक दल की जो बैठक है वो, और इस बीच अक्षय यहाँ पर आपको रोकते हुए तस्वीरें सीधे मीटिंग से पहले गृहमंत्री अमित शाह फिलहाल पहुंच चुके हैं संसद परिसर में, एनडीए की आज संसदीय दल की मीटिंग होने वाली है, थोड़ी देर में ये मीटिंग शुरू होने वाली है, गृहमंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और इसके बाद कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ ही मिनटों के अंदर पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो तमाम मंत्री फिलहाल पहुंच रहे हैं और ये देखिए फिलहाल तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर गृहमंत्री अमित शाह फिलहाल पहुंच चुके हैं, उनकी तस्वीरें अभी आप देख रहे थे और इस बीच लगातार जो नेताओं के मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार लगातार किया जा रहा है और आपको बता दें ये तस्वीरें फिलहाल लाइव है जिसमें आपको किरेन रिजिजू भी नजर आ रहे होंगे और देखिए अर्जुन राम मेघवाल भी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल पहुंच चुके हैं मीटिंग के लिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां पर संसद परिसर में एनडीए की संसदीय दल की अहम बैठक आज बुलाई गई, अनिवार्य रूप से सभी नेताओं मंत्रियों को पहुंचने के लिए एनडीए के द्वारा कहा गया, बीजेपी के द्वारा कहा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल अंदर जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं, उनके साथ में किरेन रिजिजू नजर आ रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल भी नजर आ रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले गृहमंत्री अमित शाह अंदर पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं, गिरिराज सिंह, जयंत चौधरी, कंगना रनौत, तो ये तमाम मंत्री और नेता फिलहाल अंदर और एनडीए संसदीय दल की बैठक फिलहाल अब शुरू होने वाली है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्षय फिलहाल पहुंच चुके हैं, बैठक की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। देखिए कुछ देर का और वक्त और उसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, सबसे पहले जो वहां पर कार्य होना है कि प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाना है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कुछ नेताओं का भाषण होगा जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि घटक दलों के नेता भी एगो बोल सकते हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर सभी की नज़रें हैं और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि सभी नेताओं के साथ सभी
सभी एनडीए घटक दलों के सांसदों के साथ एक ग्रुप फोटो भी वहां पर शेयर किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात ये रही है कि अब बैठक 5-7 मिनट में ये बैठक शुरू हो जाएगी और सभी सांसद वहाँ पर लगभग पहुँच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री जो भी बनाए गए हैं वो पहुँच चुके हैं, MOS जो बनाए गए हैं सभी पहुँच चुके हैं। सिर्फ अब अगर देखा जाए तो बैठक शुरू होने का इंतजार किया जा रहा है। GMC बालियोगी सभागार में ये बैठक आहूत की गई है और ये कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट बिल्डिंग का GMC जो हॉल है वो काफ़ी बड़ा है, जिसमें कि लगभग 500 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। साफ तौर पर है कि अब NDA घटक दलों की ये बैठक कुछ क्षणों में ही शुरू होने वाली है और सभी की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर होगी कि वो किस तरह से अपनी बातें रखते हैं, क्या कुछ कल जो घटनाक्रम हुआ सदन में उसको भी चर्चा करते हैं या नहीं करते हैं, अगर चर्चा करते हैं तो क्या कुछ बोलते हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि विपक्ष पर आक्रामक होते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे, साथ ही साथ NDA घटक दलों के साथ सामंजस्य के साथ किस तरह से बढ़ना है और उस पर भी विस्तृत चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि सांसदों के साथ उनकी चर्चा लगभग पूरी हो चुकी है जो भी NDA घटक दल के सांसद हैं। तो साफ तौर पर है कि अब सभी की नज़रें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर है। जी बिल्कुल अक्षय, और जिस तरीके से विपक्ष ने कल हंगामा किया, जो कुछ बातें विपक्ष के द्वारा कही गई उसको लेकर एक नई रणनीति स्ट्रैटेजी को लेकर बीजेपी आगे जरूर आने वाली है। और आप बताया ये भी जा रहा है कि एक्शन प्लान भी बीजेपी बना सकती है, क्योंकि जिस तरीके से चुनावों में परिणाम सामने आया उसके बाद हमने देखा कि विपक्ष बहुत मजबूत इस बार है और उस मजबूत विपक्ष के खिलाफ में और उनके तमाम जो चीज़ें उनके द्वारा की जा रही है उसको लेकर भी एक रणनीति बनाना बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। देखिए साफ तौर पर है कि अगर विपक्ष मजबूत नहीं रहता तो कल आपने देखा होगा कि जब राहुल गांधी बोल रहे थे उसमें शोर शराबा न सिर्फ NDA घटक दल के सांसद कर रहे थे बल्कि जो विपक्षी सांसद हैं वो भी सुर में सुर मिला रहे थे राहुल गांधी के। राहुल गांधी ने कुछ विवादास्पद बुंदे जरूर बात कही और इसी का नतीजा रहा कि विपक्ष मजबूत रहे तो सभी चाहे वो प्रधानमंत्री हों, गृहमंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, सभी को उठ करके जवाब देना पड़ा। तो इसका मतलब है कि संतुलन बनाए रखने की कोशिश विपक्ष यहाँ पर कर रहा है, लेकिन अब सरकार किस तरह से आगे बढ़ेगी, किस तरह से रणनीतियाँ होंगी, किस तरह से सदन संचालित किया जाता है, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि 2 दिन का और सत्र है तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके अलावा अखिलेश यादव भी कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद बोल सकते हैं, वो भी आज सदन में मौजूद रह सकते हैं, कल वो सदन में मौजूद नहीं थे। लेकिन राहुल गांधी के भाषण के बाद जिस तरह से NDA सांसदों ने विरोध किया, जिस तरह से उनके बयानों पर आपत्ति जताई, इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार भी झुकने को तैयार दिखती नहीं है, विपक्ष भी अपने आप को मजबूत स्थिति में पा रहा है। तो इसका मतलब है कि सत्ता और विपक्ष में जो संग्राम है सदन में चलता हुआ दिखेगा। अब ये कहां तक जाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अब बजट सत्र भी ये कहा जा रहा है कि कुछ दिनों का 22 जुलाई से शुरू किया जा सकता है, जिसमें कि सरकार बजट अंतरिम बजट पेश करती है ताकि देश को चलाने में अपनी किस तरह से भूमिका है उसको निर्वहन किया जा सके। तो कुल मिलाकर अक्षय कई मुद्दों के ऊपर चर्चा इस मीटिंग में की जाएगी। मीटिंग की शुरुआत फिलहाल होती हुई नजर आ रही है, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, सभी जो नेता है वो पहुंच चुके हैं और खासा फोकस यहां पर विपक्ष की रणनीति के ऊपर रहेगा कि क्या कुछ विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल इस बीच अक्षय खबर यह मिल रही है कि बैठक की शुरुआत हो चुकी है। तो देखिए NDA संसदीय दल की बैठक की शुरुआत हो चुकी है, सभी मंत्री और नेता पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में NDA की एक खास अहम बैठक बुलाई गई है और फिलहाल बैठक की शुरुआत हो चुकी है। अमित शाह, JP नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में मौजूद और तमाम जो मंत्रीगण हैं वो भी बैठक में इस वक्त मौजूद है। और खास बात यह कि इस बैठक में पहुंचने के लिए सभी नेताओं को, मंत्रियों को आदेश दिए गए थे कि अनिवार्य रूप से सबको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। संसद परिसर में NDA की संसदीय दल की बैठक की शुरुआत फिलहाल हो चुकी है। इस बैठक में कई सारे अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी है, खासतौर पर विपक्ष ने जिस तरीके से कल टिप्पणी की और तेवर जो विपक्ष के देखने को मिले, कल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ नजर आया और साथ साथ में जिस तरीके से राहुल गांधी ने बड़ी बातें बोली उसके बाद आज ये बैठक कई मायनों में खास, एक नई रणनीति के साथ में बीजेपी आने वाले दिनों में काम करती हुई नजर आ सकती है। NDA संसदीय दल की ये बैठक और फिलहाल बैठक की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि NDA के तमाम नेता यहां पर इस बैठक में मौजूद, PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक की शुरुआत हो चुकी है। जैसे ही बैठक समाप्त होती है क्या कुछ बैठक में डिस्कशन होते हैं
वो तमाम जानकारी भारत 24 आप तक जरूर पहुंचाएगा। लाइब्रेरी बिल्डिंग में संसद की ये बैठक शुरू हो गई है और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कुछ देर पहले की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, और इस बीच अक्षय ने हमें जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय आपका जानकारी देने के लिए।